राधे राधे मित्रगणो, कैसे हो सब। कमेंट कर रहे थे कि टाउन 11 की बहुत पावरफुल आर्मी दो जो लगभग ऑलराउंडर हो। तो सामने आपको दिख रहा है टाउन 11 से टाउन 12 पे अटैक करने वाले हैं और सारी बिल्डिंग मैक्स हो रखी है लगभग। और सबसे पहली बात, कमेंट करते रहा करो कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती तो उसके कमेंट कर दिया करो, मैं वीडियो बना दिया करूंगा, उसमें ज़्यादा मजा आता है। और दो अटैक देखेंगे, दूसरे अटैक में आपको कुछ और भी सीखने को मिलेगा कि अगर सीसी निकल जाए तो आपको क्या करना है इस आर्मी से। पहले एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं टाउन हॉल 11 से टाउन हॉल 12 पे अटैक करने, जैसा कि आपको दिख रहा है सामने। जी आर्मी इतनी पावरफुल है ना कि आपको अभी इसका डेमो दिख जाएगा। तो आपको दिख रहा है सामने जो बेस होता है, आपके पास यहाँ पे पड़ा होता है आइस गोलम, एक विच और एक पैका, और आपके पास पड़ा होता है एक बेबी ड्रैगन। बेबी ड्रैगन आपको दिख रहा है मैंने उस वाले बिल्डिंग पे डाला है ताकि जो आपके पैका है ना वो तोड़ते हुए उस साइड को ना भाग जाए, रहे वो इस साइड को ही, समझ गए। तो दोनों तरफ आपने सेम करना होता है। और जो विच है वो यहाँ पे क्या काम करती है, वो अंदर जो दीवार के अंदर वाली बिल्डिंग होती है ना उसको भी एक को तोड़ देती है, तो आपकी क्वीन भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी क्वीन बाहर नहीं भागी। जैसे आपको दिख रहा है जो विच है वो उस साइड के आर्चर टावर को ट्रिगर कर रखा है उसने, तो वो जब टूट जाएगा तो आर्चर जो आपकी क्वीन है वो उस तरफ को नहीं जाएगी। वो देखो आर्चर टावर टूट गया। सामने जबकि लोग लॉन्चर आ जाती है और लोग लॉन्चर सीधा मत डालना, पहले किंग डाल देना। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है आपके पास दो पड़े होते हैं रेज स्पेल, और उसके बाद आपकी किंग की एबिलिटी आ जाती है और वार्डन की एबिलिटी ना आपने पहले यूज कर लेनी। आपको दिख रहा है यहाँ पे जब किंग की बहुत कम हो गई थी तभी मैंने वार्डन की एबिलिटी दी ताकि किंग मरे ना और वो और ज्यादा डैमेज निकाल ले। उसके बाद आपको दिख रहा है टाउन हॉल तक यहाँ पे जा चुका है और आपकी जो सीसी होती है उसमें मैं क्या लेके गया हूँ, सुपर जायंट्स लेके गया हूँ, ठीक, क्योंकि वो बहुत अच्छी हेल्प करते हैं दीवार तोड़ने में भी उसके बाद। और आपको दिख रहा है आप कितनी सारी क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद आप क्या जाते हैं बैड स्पेल, और हालांकि यहाँ पे टाउन हॉल 11 के बैड स्पेल है तो जो बैड के निकलने की स्पीड होती है वो कम होती है क्योंकि उनकी काउंटिंग कम होती है तो थोड़ा थोड़ा करके निकलते हैं। बट स्टिल आप देख सकते हो कि टाउन हॉल 12 जो पूरा मैक्स था वो हम कितना सारा निकाल लेंगे। और यहाँ पे अब हमारे फ्री स्पेल खत्म हो गए, यानी कि हमारे जो बैड स्पेल है वो मर जाएंगे और जो क्वीन है वो भी मरने वाली है। पर एटलीस्ट हम यहाँ पे पूरा लास्ट में देखना 88% हम यहाँ पे निकाल चुके हैं और कितनी कम बिल्डिंग रह गई है। तो जब टाउन हॉल 12 की हम ये हालत कर सकते हैं इस आरबी से, तो टाउन हॉल 11 बच्चों का खेल है, कसम से कह रहा हूँ टाउन हॉल 11 कोई भी बेस है उड़ जाता है भाई। बस आपको अपनी आर्मी को अंदर डालना आना चाहिए। शाम को 7 बजे एक और वीडियो आएगी, वो आपकी बहुत सारी हेल्प करेगी भाई, मतलब इस अटैक के लिए तो वो बहुत रामबाण है। मतलब जो बेस होता है ना उसमें जो बॉल्स होती है आप उसको बेस के खिलाफ भी यूज कर सकते हो उसकी बॉल्स को, वो कैसे वो आपको 7 बजे वाली वीडियो में पता लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब पढ़ते हैं दूसरे अटैक की तरफ को। तो आपको दिख रहा है सामने एक बेस आ चुका है। अब इस बेस में अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है इस आर्मी के लिए, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एक वी शेप बनी हुई है। अगर आप आर्मी अपनी कॉर्नर से डालोगे जो आपको लगेगा कि ठीक है, पर उसमें आपकी जो आर्मी होती है वो लेफ्ट और राइट साइड को भटक जाएगी। पर जो मैंने आपको बताया एक आइस गोलम, एक पैका और अपने विचेस, इससे आपको करना ये होता है कि आपकी आर्मी यहाँ वहाँ ना भटके। तो आपको दिख रहा है इसमें हम कॉर्नर छोड़ के सामने से अटैक करेंगे और ये टाउन हॉल 12 से अटैक कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है लेफ्ट और राइट साइड सेम वही स्ट्रेटेजी होती है, पर यहाँ पे टाउन हॉल 12 है तो मैंने दो विच भी डाल सकते हैं। टाउन हॉल 11 पे भी आप दो विचेस यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, क्योंकि टाउन हॉल 11 पे करोगे तो आपकी आर्मी बहुत पावरफुल है ना उसके हिसाब से, तो आप दो विच डालोगे तो जल्दी क्लीनिंग हो जाएगी लेफ्ट और राइट साइड की। आपको दिख रहा है उस तरफ देखो कितनी सारी क्लीनिंग होगी, मतलब आपकी आर्मी उस तरफ को नहीं भागने वाली, सीधी सी बात है क्योंकि आपकी बिल्डिंग ही नहीं है। उसके बाद आपकी सारी आर्मी आ जाती है और दो आप क्या पढ़ते रेस स्पेल, दो रेस स्पेल आपको इतना पावरफुल बना देते हैं ना। आपको दिख रहा है एक रेस स्पेल हमने डाला जो बॉलर्स है और मैंने वार्डन की एबिलिटी आप पहले दे दी क्योंकि आपके जो बॉलर्स होते हैं ना वो हो सकता है कि पहले मर जाए, तो स्टार्टिंग में उसको यूज कर लोगे अपनी वार्डन की एबिलिटी तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो आपको दिख रहा है सीसी में से एक निकल चुका है बेबी ड्रैगन और एक इलेक्ट्रो, दूसरा रेस स्पेल यूज कर दिया। और जो आपके विचेज है ना और आपकी जो क्वीन है वो बहुत पावरफुल होती है, मतलब आपके पास ज्यादा यूनिट है सीसी से लड़ने के लिए, सिर्फ एक क्वीन होती तो आपको सिर्फ क्वीन पे डिपेंड होना पड़ता, पर यहाँ पे विचेज भी होती है और विचेज के बेबीज भी होते तो सीसी उलझ जाती है, इसलिए इस आर्मी में अपने पास पॉइजन स्पेल नहीं होता, जैसी मर्जी आर्मी वो पिल जाती है भाई। उसके बाद आपको दिख रहा है अगर आप सेम बेस पर अटैक करोगे अपने टाउन हॉल से तो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्पेल की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए हम सिर्फ 3 फ्री स्पेल लेके जाते हैं इस अटैक में। पूरा का पूरा बेस यहाँ सफाचट हो चुका है, क्वीन की एबिलिटी अभी भी पड़ी हुई है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे जो क्लीनिंग करनी है वो आपने अपने सहूलियत के हिसाब से करनी है कि आपकी आर्मी यहाँ माना भटके और सीधा उस तरफ हो जाए जहाँ पे आप उनको लेके जाना चाहते हो। आर्मी का लिंक कहाँ मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने क्लैन में क्या शेयर कर देना, और टिल देन स्प्रेड लव, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, लव यू ऑल।